निर्वाचन वाले दिन सभी अधिकारियों के व्यस्त होने की वजह से सभी की शिकायतें सुनने के लिए, वोटिंग परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए निर्वाचन कंट्रोल रूम का भी अहम योगदान होता है। इसके बारे में बता रहे हैं अखिलेश एडीएम। इस वक्त हमें अलीगढ़ निर्वाचन कार्यालय के कंट्रोल रूम में, इस टाइम हमारे साथ है अखिलेश जी, जो हाँ एडीएम जी हैं, सारा मैनेजमेंट यही संभाल रहे हैं। आइए हम जानते हैं कंट्रोल रूम का क्या मतलब होता है, ये कैसे काम करता है। जी देखिए, चुनाव एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें पूरे जनपद के समस्त अधिकारीगण और जो पोलिंग पार्टी हैं समस्त चुनाव के कार्यों में व्यस्त होते हैं और लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा इशू होता है कि उस वक्त किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि आपका फ़ोन अटेंड करके वो समस्या का समाधान करा पाए। और यदि किसी पोलिंग पार्टी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है डिस्पैचिंग में या चुनाव कराने के दौरान, जैसे ईवीएम खराब होने से लेकर किसी सामग्री की आवश्यकता अगर पड़ रही है उनको, तो हम लोग उसको उस समस्या को अटेंड करके संबंधित विभाग जो उस सुविधा को उपलब्ध कराएगा उसको हम लोग उसको रिफ़र करते हैं कि आप इस चीज़ की दिक्कत यहाँ इस बूथ पे आ रही है, उसका समाधान कराएं। और यदि पब्लिक भी अगर फ़ोन करना चाहती है, जैसे उस दिन सारे अधिकारी व्यस्त होते हैं या मल्टीपल कॉल्स की वजह से कॉल अटेंडर नहीं हो पाते हैं, तो पब्लिक को भी शिकायत करनी है तो हमारे नंबर जो है पब्लिक डोमेन में होते हैं कि वो भी अपनी शिकायत, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार फोन कॉल्स आ रही हैं कि यहाँ पर इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग सीधे आयोग में शिकायत करते हैं तो वो भी शिकायतें ड्रॉप डाउन में हमें मिलती हैं आपके यहाँ कि नहीं ये शिकायत आपके यहाँ से प्राप्त हो रही है, इसका समाधान कराएं। तो इस तरह की समस्त शिकायतें सोशल मीडिया पे शिकायतें मिल रही हैं, तो समस्त शिकायतों का जो सक्षम स्तर है वहाँ से समाधान करा कर उसको हम लोग निस्तारित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी भी प्रकार की समस्या चाहे पब्लिक को हो रही है, चाहे पोलिंग पार्टीज़ को हो रही हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ को हो रही हैं, सारे समस्याओं को अटेंड करते हुए जो संबंधित विभाग या संबंधित पर्सन हैं उसको उसके समाधान करने के लिए नामित हैं, उनके माध्यम से उसका समाधान कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो सूचनाएं आयोग को प्रेषित की जानी होती है, उन सूचनाओं का कलेक्शन, जैसे खराब ईवीएम की सूचना होती है या पोलिंग परसेंटेज कितना हो रहा है उसकी सूचनाएँ होती हैं, उन सारी सूचनाओं को कलेक्ट करके आयोग को प्रेषित किया जा रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से हमारे साथ थे अखिलेश जी, एडीएम जी, जिन्होंने बताया कि इस कंट्रोल रूम का मतलब यह है कि जो भी सूचना या किसी को कोई भी शिकायत है वो इस पर कर सकता है, उसका नंबर भी उन्होंने दे रखा है। इसके अलावा अगर चुनाव आयोग से भी कोई शिकायत आती है या कोई भी सोशल मीडिया पर भी कोई शिकायत आती है तो उसका संबंधित विभाग से फौरन के फौरन निराकरण करा जाए, चाहे पोलिंग पार्टी हो, चाहे वोटर हो, चाहे कोई भी आदमी हो, जो भी यहाँ पर शिकायत करेगा उसका निस्तारण किया जाएगा। योगेंद्र सिंह, न्यूज़ वन इंडिया, अलीगढ़।